काले भूल गेली संगी, काले छोड़ देली संगी आसाम बोटान, हरी हरी चाय के बगान। So what we're trying to do under the Ab Meri Bari Youth Solutions project is really that how can we work with government to strengthen existing systems? What we realize is that there are so many great NGOs doing brilliant work across the country, and in many times that work, one, is not able to be taken outside the immediate context. It's very hard for people to be able to imagine what that work might look like in a different geography, or what it might look like at scale, or how can we document it in a way where it's shareable and replicable. The component approach is obviously like a, you know, sector jargony term. Effectively, what it is identifying what works, testing, and then scaling it. So broadly, what we're trying to do is find the right set of partners, bring them together, so that they can look at a solution that's most relevant to young people, actually test it, collect data and evidence, check if it's working or not, tweak it, fix it, be honest about what's not working, don't ignore the failures, accept the failures, and then immediately go into looking at the scale and replication journey for that specific component. वेलकम टू चकलावासन। There is a scheme or a government program called the Rashtra Kishore Swasth Karyakram, and under the program there are various elements that really talks about how can you improve adolescent health and well-being in the country. A small part of that program, there's something called Adolescent Health and Wellness Days. In that, the idea is really that can we create a day every quarter where we gather young people and adolescents from every village, and they come together to talk about adolescent health and well-being. इसके माध्यम से हम आप सभी को जानकारियाँ देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस सत्र में ध्यानपूर्वक हिस्सा लेंगे। जब से ये प्रोग्राम है तभी से भी है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी पी का रोल, जैसे हम लोग इवन लास्ट टाइम से भी कंपेयर करेंगे अगर, तो अभी जैसे पीज ही पूरा सेशन को फैसिलिटेट करती हैं, उनके पास ही वो सारे बच्चों को एंगेज भी करती हैं, मोबिलाइजेशन में भी है। तो ओवरऑल इसको अगर हम ऑर्गेनाइज़र हम सोचें तो आफ्टर दैट माइक्रो प्लान बन गया तो उसके बाद से पूरा रोल पी का ही रहता है। किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस मनाने के लिए एकत्रित और इस कल्याण दिवस में आप सबों का स्वागत है। और पीयर एजुकेटर बन के मेरा ये एक फ़ायदा हुआ कि मुझे हर जगह लीडरशिप करने का मौका मिलता है, जिससे मेरे अंदर वो लीडरशिप का जो क्वालिटी है वो डेवलप हो रहा है। जो भी बॉल को कैच करेगा उसको अपने अपने अंदर जो भी एक अच्छा गुण और बुरा गुण बताना है। अच्छा लगता है, और मतलब कि लगता है कि हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, अपने आप में कुछ प्राउड फील होता है कि हम खुद से सबको सिखा रहे, सब सीख रहा है। अगर हम बताए तो सिर्फ युवा ही दो या चार ही जाना, अगर चार शिक्षित लड़का को अगर हम इसके बारे में बता दिए तो वो चार और चार को इन्वॉल्व करके बताते हैं, संपर्क कर तो वो और चार जुड़ जाते हैं, तो आठ हुए। अगर आठ फिर आठ को किए तो 16 हो गए। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और मिल रहा है। So I think after this whole pilot that we have done, अब वो माइंडसेट चेंज आ पाया है, परसेप्शन कम्युनिटी में गवर्नमेंट स्टेकहोल्डर्स का इनिशिएटिव और ओनरशिप बढ़ा है, एडोलेसेंट्स के मन में कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आया है, एंड वी कैन सी इट इन आवर सेकेंड फेज ऑफ पायलट वेयर देर इज सच अ ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ द एडोलेसेंट्स। प्रीवियसली वी वर ओनली एबल टू मोबिलाइज 55% ऑफ चिल्ड्रन, नॉट मोर देन दैट, बट नाउ दिस AWD इट इज अराउंड 75 to 80%। We have seen parents also coming and joining. They also wanted to understand what is being taught and why you are calling. So the engagement is more. सफेद वाला नाम बताइए। हेलो गाइस, है यहाँ एक प्रोग्राम अटेंड करने, किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस उसको अटेंड करने के लिए आए। जैसे हम लोग अटेंड किए और हम लोग को पता चला ना कि मतलब इसमें बहुत सारा मस्ती भी होता है और ज्ञान के साथ साथ मतलब हम एक दूसरे को समझ भी सकते हैं, शरीर के लिए कुछ लाभ हानि भी बताया जाता है।
तो हम लोग ही क्यों ना और भी सीखे और लोग भी सीखे, सबको अपने बारे में जानने का ये है। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक मैसेज लेके जाएंगे इस जो पूरे आयोजन के दौरान जो एक्टिविटी के माध्यम से हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि एंड ऑफ द डे जब यहाँ से जाएंगे तो वो घर में अपने आसपास में गांव को एक मैसेज देंगे कि किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य सच में कितना एक अहम मुद्दा है। और अगर हम सिर्फ अपने किशोरियों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, पूरी कम्युनिटी मिलके उनके बारे में सोचती है, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। एक जो हम स्वस्थ और सुखी झारखंड की परिकल्पना करते हैं तो उसमें फिर पहुँचने में हमें देर नहीं लगेगी। आगे खुद बढ़ना है, मौका हमें खुद ढूँढना है, मौका तलाशना है। आई थिंक फॉर मी सक्सेस वुड रियली मीन टू थिंग्स। इफ आई एम एबल टू से एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दैट द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द इनोवेशंस दैट वी रियली प्रपोज्ड for AHWD, if that happens. And the second one is really to say that if I'm able to create space for young people to be part of the system, where the government really says that, okay, this is a scheme, a policy, a program for young people, so I want to listen to young people before I sort of implement it or go out there with it. Been able to develop this component approach as a methodology for the sector. It is something that we feel is transferable, repeatable across the sector, and we have really worked hard in documenting the challenges, learnings, and simplifying the process and creating training tools, etc., so that it's something that can be used widely. So that is something that we're very excited about. We added that goal and we're hopefully on our track to achieve it.